नमस्कार, डीएनएच न्यूजलैंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नटराज होटल के एक कमरे में एक युवक और एक युवती की बॉडी मिलने से मची सनसनी। दादरा नगर हवेली सिलवासा चार रास्ते के पास स्थित नटराज होटल के रूम नंबर 119 में एक युवक और युवती की बॉडी मिलने की जानकारी मिलते ही पूरे विस्तार में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि युवक राजस्थान का रहने वाले हैं और युवती के विषय में पता लगाया जा रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने पर दाना SP राजेंद्र प्रसाद मीना, महिला IPS, SDPO, थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और आगे की जांच पड़ताल शुरू की। अब जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस मामले को लेकर SDPO नवीन रोहित ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने DNH न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि दादरा नगर हवेली, दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हम आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। क्या हुआ है? ये पुलिस को जानकारी मिली, मैसेज दिया होटल वाले ने कि ये होटल नटराज सिलवासा में कि उनका जो गेस्ट आया हुआ था वो रूम नहीं खुल रहे, शाम को 4:30 के करीब ही आए थे, रूम नहीं खुल रहे और रूम अंदर से बंद। तो पुलिस आई, देखा तो रूम बंद था, उसके बाद पुलिस ने खोला तो वहाँ पर एक मेल आदमी है जो आधार कार्ड से मालूम पड़ता है वो राजस्थान का है मूल, और गेस्ट के तौर से ये है और वो पंखे से लटका हुआ मिला जो ऐसा लग रहा है कि सुसाइड है। ये रूम के पलंग के ऊपर एक ट्रेन है जो डेथ हालत में है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो रस्सी से उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है, तो वही मिला है। अभी जानकारी तपास चल रही है और मौके पर SHO सिलवासा अनिल टीके साहब आए, SP सर भी आए और हमारे नए IPS मैडम हैं वो भी यहाँ विजिट किए स्पॉट पे, ताकि वो अगर कोई ऐसा है तो आगे का डायरेक्शन SP दे सके और हम आगे की कार्रवाई करें।